पीपल, मैं हूं अनुराधा मिनोचा, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कंसल्टेंट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच. और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट फेदर. फेदर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना चुकी हूं कि फेदर्स आपको क्यों दिखाई देते हैं, ग्रे फेदर का क्या मतलब होता है, व्हाइट फेदर का क्या मतलब होता है. और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं फेदर विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट. तो मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि हमें यू नो फेदर्स मिलते हैं, कई बार होता है हमें प्लेन फेदर मिलेगा लाइक व्हाइट, ब्लैक, पिंक, ब्लू, बट कई बार होता है हमें शेडेड फेदर्स मिलते हैं लाइक ब्लैक एंड व्हाइट. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको भी ब्लैक एंड व्हाइट कलर का से एक फेदर मिलता है जिसमें दोनों शेड होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है. तो इस वीडियो में बने रहिए. अगर आपको भी फेदर्स मिलते हैं तो आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी. आपको भी इससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर आपको लगेगा कि हाँ ये मेरी लाइफ में हो रहा है. तो इस वीडियो में बने रहिए एंड मैं आपको बताती हूँ 4 मीनिंग्स ऑफ फाइंडिंग यू नो ब्लैक एंड व्हाइट फेदर. तो सबसे पहला मीनिंग देखिए, जो एक कॉमन मीनिंग होता है जब भी हमें एंजल नंबर दिखाई देते हैं या जब भी हमें फेदर्स दिखते हैं, तो एक कॉमन मीनिंग होता है कि इन सब चीज़ों से, इन सब सिग्नल्स से यू नो एंजल्स और यूनिवर्स हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. तो ये जो मीनिंग होता है ना, ये बेसिकली कॉमन मीनिंग होता है. मोस्टली आप देखोगे मैंने अपने हर वीडियो में ये बताया है, क्योंकि ये तभी आपको सब साइन सिग्नल्स मिलते हैं जब आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा होता है, जब आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा होता है, एनर्जी में शिफ्ट आ रहा होता है, या फिर एंजल्स आपको वार्न करना चाहते हैं. इन सब सिचुएशंस में ये सब तरीके होते हैं एंजल्स का हमें कम्युनिकेट करने का या एंजल्स का हमें मैसेज भेजने का. तो सबसे पहला मीनिंग जो ये है कि यस, आपकी लाइफ में कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है. वो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है. हो सकता है आपकी जॉब चेंज हो जाए, लेकिन नॉर्मल तरीके से ना हो, डिफरेंट तरीके से हो. या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ बहुत बड़ा चेंज आ जाए, या फिर हो सकता है आपकी यू नो फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई चेंज आ जाए. ये जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इनिशियली वो इजी नहीं होता है. यू नो हमें लगता है कि वो गॉड ही क्या हो गया है, आउट ऑफ नो वेयर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, आपको लगेगा कि ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सोचा नहीं, बट ये कैसे हो गया. बट ट्रस्ट मी, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये हमारी लाइफ में एक काइंड आप कह सकते हो कि यू नो डीक्लटर करता है. जो भी हमारी लाइफ में नहीं चाहिए होता हमारे लिए, जो हमारे लाइफ पर्पस के साथ मैच नहीं करता, अलाइन नहीं करता, वो हमारी लाइफ से जाता है. जैसे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जब आया था, जब मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब मुझे एंजल नंबर दिखने स्टार्ट हुए थे, उसी ईयर, उससे पहले बेसिकली मेरा हुआ था कि आई लेफ्ट माई जॉब, जिस जॉब में मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी. आई वॉज सो हैप्पी एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट येस, मेरे को बस एक डिज़ायर थी कि मुझे कॉर्पोरेट में काम नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है. बट आई हैड नो क्लैरिटी उस टाइम पे मुझे क्या करना है. तो कुछ ऐसा हुआ, ऐसी सिचुएशन बन गई ऑटोमेटिकली कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी. एंड उसके बाद मेरे को कोई आइडिया नहीं था व्हाट नेक्स्ट. आई हैड नो क्लू कि अब क्या. बट एक होता है ना कि यूनिवर्स अगर आपके साथ एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोलता है. तो मुझे मेरी मेंटोर मिली, जिनके पास मैं सिर्फ एक कंसल्टेशन के लिए गई थी, क्लैरिटी लेने के लिए टैरो न्यूमरोलॉजी के थ्रू. बट उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू लर्न दिस एंड व्हाई डोंट यू बिकम टैरो कंसल्टेंट. एंड देन उसके बाद यू नो वो रास्ते खुलते गए, मैं टैरो में आई और मेरा यूट्यूब चैनल आया, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आई, धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों में आई. तो दिस इज हाउ यूनिवर्स हेल्प्स यू इन फाइंडिंग योर सोल पर्पज और योर पाथ और योर जर्नी. सो घबराना नहीं है, चेंजेस आएंगे, डिफिकल्ट टाइम आ सकता है, लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है. सो यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि अब आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो डेफिनेटली आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है. तो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके थॉट पैटर्न्स जो है आपकी न्यू जर्नी में इम्पैक्ट कर सकते हैं. सो यस, यू आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आने वाला है आपका वो टाइम. सो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, डरना नहीं है. बट यस, बी पॉजिटिव एंड बी लिटिल प्रिपेयर्ड एंड जस्ट सी व्हाट साइंस यू आर गेटिंग फ्रॉम एंजल्स और यूनिवर्स. दूसरा इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप मान लीजिए ऐसी किसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यू नो डिसीजन लेने के लिए. मान लीजिए आपको शादी फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू टू गेट मैरिड टू समबडी, बट जिनसे आप नहीं करना चाहते. या फिर मान लीजिए कुछ करियर में आपको डिसीजन लेना चाहते हैं, बट समवन एल्स इज इन्फ्लुएंसिंग यू. आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. तो इस सिचुएशन में अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट फेदर मिलता है तो इसका
इस फेदर के मिलने से ये इसका मतलब होता है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो टाइम है इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, आपको स्टैंड लेना है अपने लिए. डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स पीपल्स चॉइस. कि ये नहीं कि आपके पेरेंट्स ने बोल लिया कि तुम्हें तो ये करना चाहिए तो आप वो कर रहे हो. नो, यू नीड टू डू व्हाट यू फील इज राइट फॉर यू. आप जो करना चाहते हो आप वो करो, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन मत लो. बिकॉज एट दी एंड क्या होगा, क्योंकि आप जो चीज करोगे वो आपकी चॉइस की नहीं होगी एंड देन लेटर ऑन यू विल रिग्रेट. सो इसीलिए ये फेदर अगर आप इस सिचुएशन में हैं और ये फेदर मिल रहा है तो ये शॉर्ट शॉर्ट एंजल्स और यूनिवर्स का मैसेज और सिग्नल है आपके लिए कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है. यू नो, डू व्हाट यू फील कि यस मुझे ये करना है, सो वही आपको करना है. इसका थर्ड मीनिंग होता है, देखिए फेदर में कई बार क्या होता है कि कोई एक शेड ज्यादा होती है जब आपको दो कलर के फेदर मिलते हैं. जैसे इसमें अगर मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट में व्हाइट शेड ज्यादा है, यू नो लाइक 60-70% व्हाइट कलर है और 30% अगर आपका ब्लैक कलर है, 30-20%, तो इस सिचुएशन में एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ना एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस में है. यू नो, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी थॉट्स हैं वो प्योरीफाई हो रहे हैं. सो इस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बहुत ही माइंडफुल होना है कि आपके, क्योंकि आप एक पॉजिटिव उसमें जा रहे हैं, यू नो आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है, हीलिंग हो रही है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, या फिर ऐसा तो नहीं कि आप स्ट्रेस ले रहे हो. क्योंकि अगर आपके माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ रहे हैं या वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो आपके प्योरिफिकेशन प्रोसेस को डिले कर रहे हैं या रोक रहे हैं. तो आपको बहुत ही ध्यान देना है कि आप नेगेटिव ना हो. देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ, ह्यूमंस हैं, ऑफकोर्स ऐसा हो नहीं सकता कि आप कितनी प्रैक्टिस कर लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, हीलिंग की, नेगेटिव थॉट्स आएंगे. बट यस, इन सब प्रैक्टिस से ये हो जाता है कि हमें पता होता है, हमें हमारे अंदर इतनी माइंडफुलनेस आ जाती है कि हमें कब अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, यू नो कितना नेगेटिविटी में रहना है और कब हमें शिफ्ट कर देना है. ये एक क्लैरिटी, ये एक माइंडफुलनेस आ जाती है जो मैं अपने कोचिंग में भी, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी या क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, तो उनको मैं बोलती हूँ कि अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको आने दो. आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं आएंगे या आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल यू नो साइड में रख देंगे. ऑफ कोर्स नेगेटिव थॉट आएंगे, एनालाइज करो क्यों आ रहे हैं, क्या आपने ऐसा सिचुएशन हुई कि जो आपको इतना नेगेटिव थॉट परेशान कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद टेक अ कॉल कि ओके अब हो गया, अब मुझे इन थॉट्स को अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने देना है. ठीक है, तो अगर आपके को फेदर मिल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें व्हाइट कलर ज्यादा है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए क्योंकि आपके प्योरिफिकेशन प्रोसेस में हिंडर कर रहे हैं वो. लास्ट पॉइंट इसका ये है कि अगर आपके इस फेदर में ब्लैक कलर ज्यादा है, यू नो कि अगर ब्लैक कलर का रेशियो जो है वो 60-70% है और व्हाइट कलर का रेशियो कम है, इट मींस कि नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. इस टाइम पे आप बहुत ही नेगेटिविटी से सराउंडेड है, आपका माइंड में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं. सो आप कहीं ना कहीं जो है करप्ट होते जा रहे हैं, यू नो नेगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं. प्लस आपके आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको और नेगेटिविटी में और स्ट्रेस में आपको लेके जा रहे हैं. तो इट मींस कि ये साइन अगर आपको फेदर मिलता है जिसमें ब्लैक कलर ज़्यादा है, तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो काइंड ऑफ वार्निंग है आपके लिए कि यू नो व्हाट, अब आपको बहुत ही माइंडफुल होना है. अब आपको ये देखना है कि आप बहुत नेगेटिविटी में ड्वेल होते जा रहे हो, नेगेटिविटी में आप जाते जा रहे हो. अब आपको अपने आपको एक स्टेप बैक लेना है, आपको ये देखना है कि मेरी लाइफ है, मुझे चूज करना है कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है. सो इसीलिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करना है जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपको नेगेटिव थॉट्स ना आए, जिनके साथ आपको यू नो लगे कि हाँ आपके आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, आपका थॉट पैटर्न चेंज हो रहा है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो रहा है. तो आपको अपने आप को उन लोगों के सराउंडिंग में लेके जाना है. धीरे धीरे होगा, बट आपको ये करना है, ये स्टेप आपको लेना है. यूनिवर्स आपको सिर्फ एक साइन दे सकते हैं, सिग्नल दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट आपको एक स्टेप लेना है कि मुझे क्या करना है. तो अब आपको ये आपके लिए वार्निंग है कि बस बहुत हो गया, बहुत नेगेटिव लोग हो गए, बहुत नेगेटिव थॉट्स हो गया, अब आपको पॉजिटिव की तरफ जाना है. सो दैट कि आपकी लाइफ में जो एक नेगेटिव फेज चलता जा रहा है, जो प्रॉब्लम्स चलती जा रही हैं, वो खत्म हो और आप एक यू नो अपनी लाइफ को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें.
तो ये फोर मीनिंग्स होते हैं अगर आपको ब्लैक और व्हाइट कलर का फेदर मिलता है. अगर आप इसे रिलेट कर पाए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि येस यू कैन रिलेट विद दीज पॉइंट्स और एनी ऑफ द पॉइंट. और अगर आपको ये फेदर मिलता है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि येस आपको ये फेदर मिलता है. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए. और अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियो अच्छी लगती हैं, अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं लाइक मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लाइफस्टाइल मैं प्रोग्राम चलाती हूँ 21 डेज का, जिसमें मैं आप लोगों के साथ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ कि कैसे आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है, कैसे अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ये मैनिफेस्ट कर लो, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी ये सब रूटीन करने के बाद, तो ऑटोमेटिकली आप मैनिफेस्ट करोगे. सो मेरे इस प्रोग्राम का या मेरी कोचिंग का पर्पस ये होता है कि आप हाई वाइब्रेशन में रहें, आपके लिमिटिंग बिलीफ खत्म हो, तभी जाके आप मैग्नेट बनेंगे एंड जो चीज़ आपको चाहिए वो डिजायर ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी एक रूटीन चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आपको भी चाहिए कि यस मुझे भी अपनी लाइफ को चेंज करना है, इफ यू आर ओपन टू ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ देन यू कैन एनरोल इन माय प्रोग्राम. यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टा और यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिवर्ट यू फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ लवली डे. बाय. हैप्पी मैनिफेस्टिंग.